झांसी के रक्सर थाना पुलिस पर एक मां बेटे ने आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की है। आरोपी के क्षेत्र में मजदूरी कर रहे मां बेटे के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की थी। जबकि पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने उल्टा ही पीड़ित के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। आज एसएसपी के पास पहुंचे रक्सा थाना क्षेत्र के रहने वाले सुखनंदन वर्मा ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह ग्राम डगरबाहा निवासी ऊषा यादव के यहाँ दोनों माँ बेटे मजदूरी कर रहे थे, तभी वहाँ कुछ लोग एक राय होकर आए और अकारण ही गाली गलौज करने लगे। गाली देने का विरोध किया तो उक्त लोगों द्वारा दोनों माँ बेटे के साथ मारपीट कर दी गई। इसके बाद जब पुलिस से शिकायत की गई तो पुलिस ने उल्टा ही पीड़ित परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिर क्या हुआ? काम कर रहे थे साहब मजदूरी, शाम का टाइम था 5:30 बजे, ये लोग लड़ाई झगड़ा दारू पी के उधम कर रहे, हम सर बाहर आए तो बस कुछ नहीं, इन्होंने पकड़ के घुमा मार दिया। कौन हूँ बोले, साहब वर्मा हूँ, बोले पूरी यादवों के झगड़े में तू क्यों आ रहा है हम लोगों के बीच में? क्या हुआ, कैसे छोटे हैं लोग? ये हमारे घर पे मजदूरी कर रहे थे, स्कूल हमारा खुला है तो ये मजदूरी कर रहे थे, तो करीब 6 लोग आए, गाली गलौज कर रहे थे तो इनने कहा क्यों गाली गलौज कर रहा है, तो आकर मारपीट करने लगे इनके साथ। तो अभी माँ भी थी तो उनके साथ ही करने लगे बदतमीजी मारपीट वगैरह, तो मना किया लेकिन वो नहीं माने, तो इन्हें लाठी डंडों से मारा और बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। लेकिन फिर हम उसके बाद हमने कार्रवाई की तो उल्टी हम लोगों पे भी कार्रवाई हुई, 323, 504, 506 की उल्टा इन पे कार्रवाई कर दी और बंद कर दिया, हमारे साथ उसको भी थाने बंद कर दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। झांसी से मोहम्मद साहब के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।